लो, फिर से मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। हाँ, वो पहली मंदी खत्म भी नहीं हुई और दूसरे मंदी की तैयारी भी होने लगी। हाँ, जिंदगी और मार्केट है ही ऐसी। हमें तो लगता है कि जिंदगी और मार्केट कोई फर्क नहीं बचा, हमने जिंदगी को ही मार्केट बना दिया है। लेकिन ज्यादा दिन तक दोनों ऐसे ही चले ये ठीक नहीं है। बात तो तुम्हारी सही है, पर और कर भी कह सकते हैं। वैसे तुम करते क्या हो? मैं? हाँ, सिटी बैंक में फाइनेंस एडवाइजर हूँ। इसीलिए पेपर का शौक रखते हो? हाँ, सुबह सुबह रोज यही तो करता हूँ। मुझे बस तीन ही पेज पसंद है, स्पोर्ट्स, मार्केट और संपादकीय। यही तीन चीज़ें मैं भी पढ़ता हूँ, बाकी में क्या है, बाकी वारदातें ही छपती रहती है। यहाँ रेप हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। आधे अधूरे? हाँ। पढ़ लिया? नहीं। कितना पढ़ा? यह खाम खा का ताना बाना क्यों बुन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते? असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तो साल दो साल बाद तुम यही सोचती और यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसको लेकर के तुम ये सोचती और यही महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए ज़िंदगी जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ ओढ़कर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ होकर जीना, और ये कभी भी तुम्हें कभी किसी एक जगह नहीं मिल पाता जिसको लेकर के तुम यही महसूस करते। अभी नाटक करते हैं? किया करता था। और ये खासकर आधे अधूरे, क्योंकि इसमें तो कैरेक्टर एक ही है, एक ही कैरेक्टर, तो ये हो जाता है। आप जल्दी में हैं क्या? जल्दी में तो नहीं, पर काफ़ी देर से बैठा हूँ। पैसा गिर गया? मुझे चलना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, अगर आप फुर्सत में हैं तो कहीं बैठकर बात किया जाए। ठीक है, चलते चलिए। वो पेड़ देख रहे हो? हाँ। जानते हो, बहुत पहले वहां दो पेड़ हुआ करते थे। बचपन में मेरे सारे दोस्त वहां जाके जोर जोर से चिल्लाते थे,
पेड़ पे चढ़ के ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से मैं भी जाना चाहता था, उनकी तरह आज़ाद होकर चिल्लाना चाहता था, पर पिताजी ने कभी जाने नहीं दिया। तुम बचपन में जाना चाहो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे क्या करोगे वहाँ जाकर? मैं भी इस पेड़ पर चढ़कर चिल्लाना चाहूँगा। वैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, वो वक्त निकल चुका है। वक्त ने आपको कहाँ रोक कर रखा हुआ है? पर अब साथ में खेलने वाला कोई नहीं बचा है, सारे आगे निकल चुके हैं। कोई आगे नहीं निकलता, सब वक्त वक्त की बात है, लेकिन आप अभी ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे कि पिताजी के कहने पर मैं नौकरी करने लगा, लेकिन मैं रंगमंच करना पसंद करता हूँ। रंगमंच? रंगमंच भला किसे पसंद नहीं होगा। मुझे ही देख लो, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो कुछ चाहिए सब था मेरे पास, पर खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था। टीस थी जो फांस की तरह चुभती थी। काश, ये जो शब्द होता है काश, ये एक अच्छी जिंदगी को बेचैन करने के लिए काफी होती है। एक वक्त था जब मैं रंगमंच में खो जाना चाहता था। फिर क्या, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। बीकॉम किया था तो एमकॉम, फिर फाइनेंस एडवाइजरी में नौकरी करने लगा। वक्त के साथ तरक्की भी मिली, पर आधार नहीं मिला, सब निराधार लगने लगा। पर तुम्हारे पास अभी वक्त है, तो तुम जो करना चाहते हो वही करना।